सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज शर्मा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ये मैं भोले बाबा से प्रे करता हूँ गाइज। तो हर दिन डेंगू के मेरे सामने केस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं प्रभावित हो चुके हैं डेंगू से। तो प्लीज़ आप केयरफुल रहें, सुरक्षित रहें। तो गाइज अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट होता है, मंदिर से, भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ, आप जानते ही हैं। आज मुझे पता लगा है कि मेरे चाचा के घर ना एक गाय ने बछिया दी है, तो आप देखना चाहेंगे? सो गाइस ये देखिए, ये है वो प्यारी सी मिम्मी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, है ना क्यूट सी। इसको कुछ ही घंटे हुए हैं इस दुनिया में आए, इसके पास नहीं जा सकते हम अभी, क्योंकि इसकी माताजी हमें देख रही है। देखिए कैसे देख रही है, कह रही है कैसे यहाँ कैसे आ गए, कितनी क्यूट लग रही है ना। यह भी आराम कर रही है। चलिए फिर फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से। ये भी अभी आए हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये 3 दिन हो चुके हैं कुल इनको आए हुए। तो देखो कैसे कर रहा है, और लेकिन वो तो अभी अभी आया है, जो बच्चा है वो अभी अभी आया है। अच्छा है ना, प्यारा सा, डर रहा है। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको धीरे धीरे अपना पूरा गांव दिखाऊंगा, तो आज मैं आपको गांव दिखाता हूँ अपना, ठीक है। काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, बहुत ही पुराने पुरानी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको गांव दिखाता हूँ, तो मेरा गांव मेरठ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये वो घोड़ा बना हुआ है जिसको लगभग 150 साल से भी ऊपर हो चुका है। ये मार्ग बिनोली, बरनावा और बड़ौत को एक साथ जोड़ता है। रोहटा की दूरी मेरठ से केवल 8 किलोमीटर है, तो पूरे गांव में सिर्फ 4 तालाब बचे हुए हैं। अब मार्ग से हम अंदर गांव की साइड चलते हैं। सो गाइस ये वही मार्ग है, वही हाईवे है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये मार्केट है रोहटा की, ये मार्केट 19 गांव की मार्केट लगती है, 19 गांव में सबसे बड़ी मार्केट है रोहटा। रोहटा ही ब्लॉक लगता है, रोहटा ही थाना लगता है, तहसील इसकी मेरठ लगती है। यहाँ पे 3 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ये रोहटा का ब्लॉक है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक रोहटा में। अब हम अंदर गांव की साइड चल रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम अंदर गांव की साइड ही जा रहे हैं, जिस घर में मैं खेला था वो बिल्कुल सामने है। जी हाँ, ये बिल्कुल सामने है, ये है बिल्कुल सामने, और ये पूरा गांव है। ये जो दुकानें हैं ये काफ़ी पुरानी दुकानें हैं, ये काफ़ी पुरानी दुकानें हैं, ये मेरे दादाजी के टाइम की है। अंदर गांव में बड़ी दुकानें सिर्फ
दो ही हैं। ये कुआं है जो कि 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। देखते हैं इसमें पानी है क्या। नहीं तो गाइस पानी तो इसमें ख़त्म हो चुका है। ये रास्ता संतोषी माता के मंदिर में जाता है। ये संतोषी माता का मंदिर है। ये भी लगभग 100 साल पुराना है। सबसे बड़ा मंदिर हमारे घर के पास ही है। गांव के मंदिर ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसको मंदिर को संतोषी माता का नाम दिया है। ये है शिरावलम माता की प्रतिमा। ये वाला पोर्शन शायद अभी बना है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज हमारे है ना गोवर्धन पूजा है जी। बिल्कुल, दीपावली से 15 दिन पहले हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा हो जाती है। वो क्यों होती है, वो क्यों मनाई जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मयंक भी रेडी हो चुका है। ठीक है मयंक, पूजा करेंगे ना। सो गाइस चलिए फिर चलते हैं। सो गाइस अब हम गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये चाचा जी हैं, दोनों चाचा जी बैठे हैं, बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी। तो अभी पूजा स्टार्ट करेंगे। वैसे अन्नी अभी दिया जला रहा है। हमने अभी रई रख ली है, दिया जला दिया है, और ये खील है, खीर है, गन्ने रखे हुए हैं। ये गोवर्धन है। गोवर्धन 15 दिन पहले क्यों मनाई जाती है ये दादी जी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। चुका है अन्नी के, अब अन्नी चाचा जी को कलावा बांधने जा रहा है। रक्षा सूत्र, तो अन्नी बांध रहा है अभी रक्षा सूत्र, ये मैं दादी जी ने बताया अभी। गायत्री मंत्र का जाप चलेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अन्नी थोड़ा जोर से बोल। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सिर्फ 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हे श्री राम।
से जल देने के लिए जा रहे हैं। चाचा जी ने गोधन को जल दे दिया है जी। सो फ्रेंड्स, आज आपने गांव देखा और आज का फेस्टिवल देखा हमारा। हमारे यहाँ 15 दिन पहले क्यों मनाई जाती है गोवर्धन, वो कहानी चाचा जी ने बताई है या फिर दादी जी ने बताई है, अगली वाली वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग युवराज शर्मा व्लॉग्स।